फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट के बारे में। हमारे स्टॉक मार्केट के लिए देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है। हो सकता है गवर्नमेंट यहाँ पे आपको एक और स्टिमुलस पैकेज, आर्थिक पैकेज का अनाउंसमेंट करती हुई नज़र आए, क्योंकि आपको देखने को मिला है कि यहाँ पे फिर से पूरा लॉकडाउन लाइक सिचुएशंस आपको देखने को मिली। पूरा लॉकडाउन लगा, यहाँ पे सारे देखिए जो भी बिजनेसेस थे वहाँ पे, उस पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता हुआ नज़र आया, वो सारे बिजनेसेस बंद होते हुए नज़र आए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट फिर से देखिए एक और आर्थिक पैकेज के ऊपर यहाँ पे विचार कर रही है, और हो सकता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट एक और आपको आर्थिक पैकेज लाती हुई नज़र आए। देखिए, जिन लोगों को पता होगा, लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट ने आर्थिक पैकेज का अनाउंसमेंट किया था तो हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी इस खबर से। और ये फिर से देखिए एक और खबर निकल के आ रही है अबाउट स्टिमुलस पैकेज। देखिए, आज हुआ क्या, गवर्नमेंट में देखिए जो हमारे FM है निर्मला सीतारमन जी, उनसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या ये सच बातें हैं कि यहाँ पे आपको स्टिमुलस पैकेज आता हुआ नज़र आएगा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज आ सकता है, बातें बिल्कुल चालू है, लेकिन उन्होंने बोला है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ये पूरा हम फैसला छोड़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट जैसा कहेगी वैसे हिसाब से हम स्टिमुलस पैकेज लाते हुए आपको नज़र आएंगे। तो डेफिनेटली देखिए बहुत बड़ी खबर है। कल आपको पता था कि देखिए यहाँ पे 43rd GST काउंसिल मीटिंग थी, उसका क्या आउटकम आया ये भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो देखिए, वो आर्थिक पैकेज के सबसे पहले आपको मैं वो आर्टिकल पे लेके जाता हूँ, इस पे आर्थिक पैकेज के ऊपर देखिए क्या कहा गया है। चलिए सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ। तो देखिए, FM निर्मला सीतारमन और नेक्स्ट स्टिमुलस पैकेज नॉट टेकन फाइनल कॉल कंसल्टिंग स्टेट्स। तो देखिए उनका क्या कहना है, उन्होंने कहा है कि अभी तक जो डिसीज़न है वो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेट्स के साथ वो कंसल्ट कर रही है। उन्होंने कहा है कि फाइनल कॉल हमने अभी तक नहीं लिया है, अभी जो स्टेट्स के साथ जो वार्तालाप होती है, जो चर्चा होती है वो चालू है, फिर यहाँ पे देखिए कुछ भी अनाउंसमेंट करते हुए आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो अब देखिए, FM निर्मला सीतारमन स्टेटमेंट कम एट अ टाइम वेयर कोरस फॉर अनादर स्टिमुलस पैकेज हैज़ ग्रोन अमिड मैसिव स्ट्रेस ऑन द इकोनॉमी ड्यू टू कर्ब्स लिंक टू COVID-19 सेकेंड वेव। देखिए, आपको पता है कि हमारे भारत में कोरोना की सेकेंड वेव आई, वहाँ पे देखिए आपको सब कुछ बंद होता हुआ नज़र आया। स्पेशली अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस जैसे पहले शटडाउन थे वैसे ही देखिए शटडाउन होते हुए नज़र आए। और अब दोस्तों फिर से आर्थिक मदद की काफ़ी ज़रूरत है, और स्पेशली वो जो MSMEs होती है, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यही देखिए गवर्नमेंट का पूरा ध्यान होने वाला है। और देखिए, छोटे की बात करें तो देखिए बड़े भी सब बिजनेसेस बंद थे, यहाँ पे कोई भी चालू नहीं था, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस पर ही देखिए उन्होंने कहा है कि अभी तक फाइनल कॉल नहीं लिया गया है, लेकिन कंसल्टिंग जो होती है स्टेट्स के साथ वो यहाँ पे बिल्कुल चालू है। अगर हम आगे और देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि देखिए जो लॉकडाउन लाइक मेजर्स लिए गए थे वो आपको नेक्स्ट स्टिमुलस पैकेज के कारण अभी तक फाइनल कॉल नहीं लिया गया। लेकिन इनसे एक और बात कही तो उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगा था, स्टेट्स ने लॉकडाउन लगाया, बट यहाँ पे हम देखेंगे तो हमने इनपुट्स हमें मिल रहे हैं देखिए कि किस तरह से लोगों के इकोनॉमिक यहाँ पे देखिए फ़र्क पड़ा है, लोगों के बिजनेसेस पे इफेक्ट पड़ा है, उस पे देखिए वो पूरा यहाँ पे देखिए इनपुट्स ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे बहुत जल्द एक कॉल लेंगे, क्या होने वाला है उसके ऊपर देखिए डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ी बात होने वाली है। लेकिन जो कल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई दोस्तों, वो होने वाली थी 43rd GST काउंसिल मीटिंग। अब क्या हुआ इस पर, चलिए सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करीबन 6 बड़े ऐलान हुए गए, कि 6 बड़े कौन कौन से ऐलान हुए हैं, चलिए सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, जो भी GST काउंसिल की मीटिंग होती है इसका देखिए डायरेक्ट लिंक होता है हमारे स्टॉक मार्केट से। तो क्या देखिए ऐलान हुए हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, पहला, जो भी 31 अगस्त तक यहाँ पर आपको सामग्री में यहाँ पे आपको वो देखिए आयात मिलती हुई नज़र आएगी, छूट मिलती हुई देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएगी। दूसरी बात देखिए, जो वो होती है IGST जो होता है दोस्तों, उसमें आपको यहाँ पे छूट मिलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है जो भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं इसके इलाज में काम आने वाली दवा, जो ये दवा है उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
दूसरा कहा गया है कि जीएसटी में जो कंपनसेशन है रूप में राज्यों उसको करीबन 1.58 लाख रुपीस यहाँ पे वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिए जीएसटी के कंपनसेशन में यहाँ पे राज्यों को ये दिए जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स पर जीएसटी रेट कट कर जाएगी जिसमें 8 जून तक इस पर फैसला जल्द ही लिया जाएगा। अब पाँचवीं बात कही है कि उन्होंने जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑप्शन ये होता है ऑप्शनल होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे क्योंकि सब जो बंद होते हुए नजर आए उसमें रिटर्न भरना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि देखिए सबके बिजनेसेस बंद है तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए यहाँ पे सबके पास जो रिटर्न की फाइलिंग होती है वो डेफिनेटली भरने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा है कि इस बार वो ऑप्शनल रहेगी, यहाँ पे भरना कोई ज़रूरी नहीं है। जिनका भी 2 करोड़ रुपये से कम का टर्नओवर होगा उनको यहाँ पे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि देखिए जीएसटी टैक्स पेयर्स को लेट फीस में राहत मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए जो जीएसटी टैक्स पेयर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बात निकल गई कि राहत मिलेगी क्योंकि देखिए सबका बिजनेसेस बंद था, किसके पास पैसा नहीं था। और यही देखिए दूसरा एक बड़ा ऐलान है कि यहाँ पे जीएसटी जो भी टैक्स पेयर होंगे उनको यहाँ पे राहत मिलती हुई नजर आएगी। अब इससे हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या लिंक है, देखिए स्टॉक मार्केट पे जो सबसे ज्यादा लिंक आएगा वो आने वाला है ऑटो सेक्टर पे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा देखिए लार्जली अफेक्टेड कोई भी सेक्टर था तो वो ऑटो सेक्टर था। और इसमें भी मैं अगर बात मानूँ तो देखिए सबसे जो ज्यादा अफेक्टेड ऑटो सेक्टर के अंदर ये 4 व्हीकल्स हो गई, आपको देखने को मिला 2 व्हीकल हो गई। तो सारे ऑटो सेक्टर्स के अंदर काफ़ी बढ़िया देखिए ये खबर निकल के आई कि इनके कारण आपको जो टैक्स के अंदर है वो उस पर छूट मिलती हुई नजर आएगी, जो आपको यहाँ पे टैक्स लगता हुआ है वहाँ पे छूट मिलती हुई नजर आएगी और इनके बिजनेसेस पे काफ़ी अफेक्ट आपको पड़ता हुआ बचता हुआ देखिए नजर आएगा। तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि ऑटो सेक्टर के लिए ये खबर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, स्पेशली यहाँ पे ऑटो सेक्टर के लिए ये एक बात बढ़िया निकल के आई कि देखिए उनको जीएसटी में भरने में काफ़ी ज़्यादा आयात मिलने वाली है, राहत मिलने वाली है और ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। और जिन लोगों के पास ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनको एक बढ़िया देखिए यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर बिहेवियर आता हुआ नजर आ सकता है। और सबसे बड़ी बात अब दोस्तों ये स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट है तो इससे भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये आपको कब अनाउंस होगा और इसके बाद आपको समझ में आएगा कि देखिए जो छोटे स्टॉक्स हैं जिनके देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हो गए, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि स्टॉक्स के साथ ये ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हो गए, इन सब स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बढ़िया देखिए आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मेरे देखिए ये सलाह है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो स्टॉक्स के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इसमें ही देखिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मुझे लगता है कि एक स्टॉक है छोटा मन इंफ्रा, उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, वो बढ़िया स्टॉक है। और यहाँ से ऑटो सेक्टर के अंदर मुझे लगता है कि अशोक लीलैंड के अंदर एक बढ़िया आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।